हेलो फ्रेंड्स, डे बाय डे विद चित्रा में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे बहुत टेस्टी सी सूजी की पानी पूरी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है, वही नॉर्मल सूजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में। और इसके बाद में 4 बड़े चम्मच के करीब ये तेल ले लिया, वेजिटेबल ऑयल है, और इसको बहुत गर्म कर लेना है। इसके बाद इसमें डालना है, हाथ से नहीं छूना है। इसके बाद आपको चम्मच से इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद में इसको आपको हाथ लगाना है और हाथ से अच्छी तरह से हमें इस तरह से इसको मैश कर लेना है और चेक कर लेना है कि हम जो ऑयल डाला है वो ठीक है कि नहीं। तो आप अगर मुट्ठी बनाएंगे तो इस तरह से ये मुट्ठी बन रही होगी। अगर नहीं बनेगी तो 1/2 चम्मच ऑयल और डाल सकते हैं आप। इसके बाद में ज़रूरत अनुसार हम पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पानी भी हमें एकदम गर्म लेना है और इसलिए हाथ आप लगाने से पहले अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद धीरे धीरे से आप लगाएं कि आप जिसे जले नहीं। इस तरह से करके आप आराम से इसका एक डो तैयार कर लेना है। आपको आटे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ढीला है, मगर ये अभी थोड़ी देर रखने के बाद ये सही हो जाएगा। और आपको इस तरह से इसको रगड़ते हुए अच्छे सा एक डो तैयार कर लेना है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं आपको करना है। अच्छे से जब ये बन जाएगा तो आपको इस तरह से इसको करके रख देना है। फिर एक कोई कपड़ा ले लेना है, उसको भिगो के और उसको अच्छे से निचोड़ लेना है पूरा। उसके बाद इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है, क्योंकि सूजी है थोड़ा पानी पीती है ये थोड़ी देर में, और ठीक हो जाएगा हमारा इस डो। इसके बाद में थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल लेंगे और अच्छे से हाथ से इसको इस तरह से करके नीट कर लेंगे। और फिर इसके लोई काट लेंगे, जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं तो लोई काटें, ऐसे छोटे छोटे से पीसेस हमें काट लेने हैं। और हाथ में लेके इसका एक छोटा सा ऐसे देखिए गोल बाउल के जैसे बना लेंगे। और इसको आप, क्योंकि सूजी के जो मार्केट में खाते हैं थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए आप इस तरह से इसको इस शेप में बना के रख सकते हैं। फिर हल्के हाथ से इसको हमें बेल लेना है, और तो हल्का सा मोटा रखना है और ताकत बहुत नहीं लगानी है। हल्के हल्के हाथ से बेलना है ताकि हमारा ये फटे नहीं। और बहुत ही आराम से बढ़िया से हमारी पानी पूरी बन के तैयार हो जाएगी, ये देखिए। और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है, गरम तेल में ही बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और एक एक करके बनाते जाना है और इसको इसमें डालते जाना है, बना के नहीं रखने हैं हमें इस तरह से। और ये अपने आप से जब अंदर डालेंगे आप ऑयल में तो ये ऊपर आ जाएंगे। चम्मच से जो भी इस हम निकालेंगे उसको हल्का सा हमें हिलाते जाना है इस तरह से, और आपको टच नहीं करना है, ये अपने आप से आ जाएंगे। और आप चाहेंगे दूसरी तरफ अगर चाहते हैं तो टर्न कर दें, नहीं तो ये अपने आप से जब आप तेल को हिलाएंगे तो ये ऊपर भी अच्छे से पक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल के तैयार हो गए। और जो पानी पूरी आपकी नहीं फूलेगी उसको आप पापड़ी चाट की तरह यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले। आपको हम इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहते हैं। ये पानी पूरी बना के एंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।